पे तो गाइस इस ब्रिज पे चढ़ने में साला सांस फूलने लगता है बहुत ज़्यादा, क्या बताएं आप लोग को, बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगता है। और आज से गाइस ऐसा मौसम कर दिया ना कि समझ लो अब धूप नहीं निकलेगा, ऐसा किया है, धूप आएगा ही नहीं। पूरा ठंडी वाला जो फुहारा रहता है ना, पानी गिरते रहता है तो फुहारा का जैसे रहेगा अब। अरे यार क्या बताऊँ, जब था उस टाइम में हम नहीं बनाए वीडियो धूप अच्छे अच्छे, लेकिन अभी बना रहा हूँ। ये देख सकते हैं यार, एक हाथ से साइकिल चला रहा हूँ, मेरा बेल्ट, इसका जो कैमरा लगाता था जिसमें ना, वो बेल्ट मेरा खो गया, घर गया था ना, बच्चा किधर कर दिया, इधर से उधर, भगवान जाने, खेलने का चीज़ समझता है, खेलने लगा और उसको खो दिया। अभी हमको फिर ख़रीदना पड़ेगा। एक हाथ से साइकिल चला रहा हूँ, एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत दिक्कत होता है यार, ठीक है। आप लोग सपोर्ट नहीं करते, इतना मेहनत करते हैं हम, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिए यार। फाइनली हमको दवाई भी लेना होगा यार। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग वीडियो, और आप लोग का सबका स्वागत है टुप्पल द ब्लॉग में। तो गाइस फाइनली बहुत दिन के बाद हम मोटो ब्लॉगिंग करने आया है। तो गाइस मेरा दिक्कत ये है कि मेरा चेस माउंट खो गया है, और थोड़ा हम यहाँ पे था नहीं, थोड़ा हम गए थे गांव, तो इसीलिए हम नहीं कर पाए मोटो ब्लॉगिंग और छूट गया, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था फ़ोन में, तो इसीलिए। कभी ज़िंदगी में हर चीज़ साथ नहीं देता है गाइस, अगर ज़िंदगी में हर चीज़ साथ देता है तो बहुत आगे चलता है आदमी, बढ़ता है, लेकिन नहीं देता है, कभी कभी ऐसा ऐसा मोड़ पे ले जाता है, वहाँ से लौटना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी नहीं अपडेट कर पाते, नहीं अपलोड कर पाते वीडियो, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ये सब चीज़ में, और आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, और न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस फाइनली अभी हम सवेरे सवेरे जा रहे हैं ड्यूटी, देख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा था, हम बोले नहीं जाएंगे, लेकिन फिर कॉल किया, जाना पड़ेगा, क्या करें, अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ यार। तो गाइस फाइनली अभी हम जा रहे हैं ड्यूटी और मोटो ब्लॉगिंग करें, थोड़ा सोचें, थोड़ा कर लेते हैं, और धूप नहीं निकला है, अच्छा नहीं है मौसम, बहुत ज़्यादा ठीक करके रखा है। तो गाइस ये ब्रिज, इस ब्रिज पे तो गाइस इस ब्रिज पे चढ़ने में साला सांस फूलने लगता है बहुत ज़्यादा, क्या बताएं आप लोग को, बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगता है। और आज से गाइस ऐसा मौसम कर दिया ना कि समझ लो अब धूप नहीं निकलेगा, ऐसा किया है, धूप आएगा ही नहीं। पूरा ठंडी वाला जो फुहारा रहता है ना, पानी गिरते रहता है तो फुहारा का जैसे रहेगा अब। अरे यार क्या बताऊँ, जब था उस टाइम में हम नहीं बनाए वीडियो धूप अच्छे अच्छे, लेकिन अभी बना रहा हूँ। ये देख सकते हैं यार, एक हाथ से साइकिल चला रहा हूँ, मेरा बेल्ट, इसका जो कैमरा लगाता था जिसमें ना, वो बेल्ट मेरा खो गया, घर गया था ना, बच्चा किधर कर दिया, इधर से उधर, भगवान जाने, खेलने का चीज़ समझता है, खेलने लगा और उसको खो दिया। अभी हमको फिर ख़रीदना पड़ेगा। एक हाथ से साइकिल चला रहा हूँ, एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत दिक्कत होता है यार, ठीक है। आप लोग सपोर्ट नहीं करते, इतना मेहनत करते हैं हम, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिए यार।
फाइनली हमको दवाई भी लेना होगा यार, अभी दुकान में जाके सर दर्द कर रहा है, तो दवाई ले लेंगे। और मेरा मोटो ब्लॉग आप लोग को कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा यार, कहाँ से देखते हैं वो भी बताइएगा। आप लोग नहीं बताते हैं यार, बताना चाहिए कि हम यहाँ से देखते हैं, मेरे को भी पता चले वहाँ तक मेरा वीडियो चलता है जाता है, इतना दूर से आदमी मेरे को देखता है, तो ये चीज़ बताना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो गाइस अभी हम यही बोलना चाहेंगे आप लोग से, रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई को सपोर्ट कीजिए यार, सपोर्ट नहीं करते हैं। सपोर्ट कीजिए आप लोग, और आप लोग भी वीडियो बनाते हैं तो गाइस हम बोलते हैं हम भी सपोर्ट करेंगे आपको जहाँ तक हमसे सपोर्ट होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा भीड़ होता है और किसको किसको कलकत्ता का दुर्गा पूजा देखना है आप लोग ज़रूर बताना। एक पंडाल तो हम आप लोग को दिखाएं, ये नॉर्मली पंडाल ये घर का बगल में है मेरा। और गाइस फाइनली अभी बहुत ज़्यादा पंडाल है इधर, लेकिन सब कल से दिखाने का शुरुआत करेंगे, टेंशन मत लीजिए। और आप लोग कलकत्ता का दुर्गा पूजा देखना चाहते हैं, पंडाल मूर्ति कैसा भीड़ भाड़ होता है, तो आप लोग मेरे को फॉलो करके रखिए यार, तब तो देख पाएंगे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करके रखिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, तो आप लोग के पास पहले सबसे पहले वीडियो पहुँचेगा। तो गाइस कल से दुर्गा पूजा का वीडियो आएगा, ठीक है, क्योंकि गाइस ज़्यादा वीडियो शूट कर लेने पर ना वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, एडिटिंग नहीं हो पाता, वीडियो गोप्रो में पड़ा रह जाता है, पड़ा रहने के बाद वीडियो में जर्की आना स्टार्ट हो जाता है, देख रहे हैं क्या कर रहा है पता नहीं, यही सब चीज़ में देरी हो जाता है। धीरे 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 यहाँ पे सिग्नल लगा यार, बेकार का ताम झाम, रुकना होगा, देख रहे हैं। यहाँ पे रुकना ही होगा, गाड़ी आ रहा सिग्नल है, नहीं रुकेंगे तो नहीं होगा। चलिए गाइस इतना रुकने का टाइम नहीं है, भागते हैं फटाफट और निकलते हैं यहाँ से, हो सके इधर का सिग्नल ना खुल जाए तब तक। और इसमें ना यार गोप्रो में हम देखे हैं, इतना दिन यूज किए हैं, जिसके पास नहीं है जो सोच रहे लेंगे गोप्रो में यार प्रॉब्लम हो रहा है, और जिसके पास है वो भी बताएगा कि आप लोग का पास ऐसा होता है क्या। मेरा एक दिन तो गोप्रो का सेटिंग चेंज हो गया था और 4K 30 FPS इधर उधर कुछ हो ही नहीं रहा था, ठीक है, तो उसको हम ठीक किए। उसके बाद मेरा गोप्रो ना ज़्यादा वीडियो शूट करने के बाद ना थोड़ा हैंग करता है, हैंग करने लगता है, पता नहीं क्यों। वीडियो मेरा है गोप्रो में, ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं है, है मतलब इतना आप बोलेंगे कि भर्ती हो गया, वीडियो भर गया, आपका स्टोरेज फुल हो गया, ऐसा नहीं है गाइस, फिर भी हैंग करता है गोप्रो, पता नहीं। और आप लोग सपोर्ट कीजिए यार, और कल परसों मेला घूमने जाएंगे और उससे देखते हैं अच्छा अच्छा चीज़ कलकत्ता में बना है, और आप लोग को वीडियो का माध्यम से शेयर कर पाएंगे बहुत अच्छा, और आप लोग को भी दिखाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा यार। और अभी तक हम कोई पंडाल नहीं गया, एक पंडाल आप लोग को सामने में हम दिखा देते हैं ऐसे, ठीक है, आपको जैसे कि लगेगा घर बनाया है यार, कौन बनाता है पंडाल ऐसा, लेकिन इसे लोग कलकत्ता में पैसा खर्च करके ऐसा पंडाल बनाता है ना, लगेगा कि जैसे घर बना हुआ है, ठीक है। ये सामने में